नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन इंडिया पर। और अभी हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश उपचुनाव के एग्जिट पोल की और पोल ऑफ पोल्स की, यानी कि आपको बताएंगे सभी एग्जिट पोल का एक ऐसा आंकड़ा जो बता रहा है कि मध्य प्रदेश में अब किसकी बनेगी सरकार और क्या रहेगी भाजपा कायम। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। लेकिन उससे पहले, आपके अनुसार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कमेंट बॉक्स में वैसे ही बताइएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं मध्य प्रदेश उपचुनाव की बड़ी खबर और एग्जिट पोल, जिसके अनुसार किस पार्टी की बनने जा रही है मध्य प्रदेश में सरकार। तो मध्य प्रदेश की तमाम 28 सीटों की तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं मध्य प्रदेश का गणित, जिसके बाद किसकी बनेगी सरकार आपको पता चल जाएगा। क्योंकि एग्जिट पोल जानने से पहले जरूरी है कि आप मध्य प्रदेश की सीटों का गणित जान ले। फिलहाल उपचुनाव 28 सीटों पर हुए हैं। अगर बात करें कि किस पार्टी को कितनी सीटें चाहिए कि वो बहुमत में आ जाए और अपनी सरकार बना ले, तो ऐसे में भाजपा को 28 में से सिर्फ 9 सीटें ही चाहिए। अगर ऐसा करने में भाजपा सक्षम रहती है तो भाजपा की सरकार बन जाएगी और भाजपा बहुमत के आंकड़े को पार कर जाएगी। लेकिन अगर कांग्रेस जीत जाती है 21 सीटें और अन्य पार्टियों को भी अपनी ओर मिला लेती है, बसपा और अन्य पार्टियों को, अदर्स को मिला लेती है, तो ऐसे में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। और अब बात कर लेते हैं एग्जिट पोल की। तो आपको बता दें, एग्जिट पोल की अगर माने तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार वापस नहीं आएगी और शिव का राज ही रहेगा, यानी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार। बात करते हैं अब एग्जिट पोल की कि किसको कितनी सीटें मिलेगी। तो अगर बात करें एग्जिट पोल की, तो एक एग्जिट पोल के अनुसार बताया जा रहा है कि भाजपा को 28 में से 13 से 16 सीटें मिल सकती है, वही कांग्रेस को 9 से 14 सीटें तक मिलने का अनुमान बताया जा रहा है। यानी कि कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर और भाजपा बहुमत के आंकड़े के पार पहुंच जाएगी और ऐसे में भाजपा की सरकार ही कायम रहने वाली है। हम बात करते हैं एरिया वाइज, हम बात कर रहे हैं हर एक क्षेत्र की कि किस क्षेत्र में कितनी सीटें भाजपा को मिल रही है और किस क्षेत्र में कितनी सीटें कांग्रेस को मिल रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर में कुल 9 सीटें हैं। यहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही कांटे की टक्कर दिख रही है। दोनों को 4 से 5 सीटें मिल सकती है, यानी कि दोनों ही पार्टियों में कांटे की टक्कर। किसको ज्यादा सीटें मिलेगी यह तो पता चलेगा मतगणना के बाद ही। तब तक तो एग्जिट पोल क्या कहता है हम यही आपको बताते हैं। साथ ही चंबल में 7 सीटें हैं, इसमें कांग्रेस पूरी तरीके से भाजपा के ऊपर डोमिनेट करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें भाजपा की, तो यहाँ पर 0 से 2 सीट, यानी कि चंबल में 0 सीट पर भी भाजपा अटक सकती है। वहीं कांग्रेस को 4 से 6 और यहाँ पर अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। मालवा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर कुल 5 सीटें हैं, यहाँ पर भाजपा पूरी तरीके से डोमिनेट कर चुकी है कांग्रेस के ऊपर, क्योंकि इन 5 सीटों में से हो सकता है कि भाजपा पूरी 5 सीटें जीत ले या फिर 3 या 4 सीटें जीत ले। कांग्रेस के खाते में 0 से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। निमाड़ क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल 2 सीटें हैं, जिनमें अगर बात करें तो हो सकता है कि भाजपा को 0 सीटें मिले, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है और हो सकता है कि दूसरी सीट भी मिल जाए। बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 2 सीटें,
लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 0 सीट जा सकती है, लेकिन भाजपा के खाते में 1 सीट और 2 सीट भी जा सकती है। और अगर बात करें भोपाल रीजन की तो यहाँ पर 2 सीटें हैं और यहाँ पर भी भाजपा डोमिनेट कर रही है। 1 से 2 सीटें भाजपा को मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। महाकौशल क्षेत्र की बात करें तो 1 सीटें जो कि भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो इस प्रकार से पूरा एग्जिट पोल था जो आपको बताया। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, उसमें हम आपके सामने लेकर आएंगे पोल ऑफ पोल्स, जिसमें हम सभी एग्जिट पोल का एक छोटा सा डेटा निकालेंगे और उस डेटा से आपको बताएंगे कि किसको कितनी सीटें मिल रही है। सभी एग्जिट पोल का एवरेज आपके सामने होगा। तब तक देखते रहिए एजुकेशन इंडिया, क्योंकि आपके सामने फिर हाजिर होंगे बिहार चुनाव का एग्जिट पोल लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।